नकली सांप और बहुत गंदा है, मतलब देख के कहा जाना डर लग रहा है इसको। तो जब से बच्चों का स्कूल ओपन हुआ है तो मुझे लगता है सिर्फ संडे को छोड़ के बाकी सभी दिन मॉर्निंग रूटीन लगभग सेम हो गया है। तो ये देखिए गाइस, हो गई है मॉर्निंग, तो फ्रेशन अप वगैरह हो गई थी, उसके बाद गाइस मैं आ गई थी जो है किचन में। और ये देखिए मैं बनाने जा रही हूँ राजमा और उड़द दाल की दाल बनाने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो ये देखिए मैंने रात में ना राजमे को, उड़द दाल को भिगो दिया था, और मैंने ना दो तरह की राजमा ले लिया है ये, और एक जो है व्हाइट वाली, एक जो लाल वाली, मेरे पास दोनों थी तो दोनों ले लिया था। और ये जो है उड़द दाल है तो दोनों को भिगो दिया था, और इसको अच्छे से धुल के गाइस ये देखिए मैं डाल दूंगी पानी। और ये देखिए एक बड़ी साइज के प्याज और तीन चार लहसुन की कलियां डाल देंगे, नमक डाल देंगे थोड़ा सा, और इसको जो है ना अच्छे से बॉईल कर लेंगे 7-8 सीटी लगाकर, और फिर जो है ना इसको हम बनाएंगे टेस्टी सी दाल। और गाइस सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, और ये ना मखनी दाल नहीं है, मैं सिंपल सी ना दाल ही बनाऊंगी इसकी। और उसके बाद गाइस ये देखिए बच्चों का बहुत दिन से मन था कि मम्मी मैक्रोनी बना दो, तो दाल जो है गाइस मैं बना दूंगी, तो हम लोग लंच में राइस के साथ ले लेंगे, खा लेंगे, और जो कि हस्बैंड जो है कि खा के चले जाएंगे। और ये मैक्रोनी जो है ना मैं बना दूंगी, तो बच्चे जो है कि बना दूंगी उनके लिए, चाहे वो लंच बॉक्स में ले जाएंगे चाहे वो नाश्ता कर लेंगे। और ये देखिए गाइस उसके बाद जो है कि हो गई थी, मेरा सारा काम फिनिश हो गया था, तो मैं शावर वगैरह ले ली थी, और ये देखिए आ गई थी। और ऐसा हो रहा है इस समय गर्मी इतनी भयंकर है ना कि मेरा होता है ना कि एक बार मैं मतलब शावर वगैरह लेके तुरंत मैं रेडी हो जाती हूँ, थोड़ा भी काम वगैरह कर लेती हूँ, नहीं तो फिर ना पूरा दिन मतलब ऐसे ही रह जाता है, बिल्कुल मन नहीं होता है। और इतना ज़्यादा गर्मी स्वेटिंग होता है ना तो बिल्कुल इच्छा ही नहीं होती है कि कुछ मतलब हेयर वगैरह खोलूँ मैं, तो पूरा दिन ना ऐसे ही रह जाती हूँ। तो इसी वजह से जैसे ही मैं नहाती हूँ तो तुरंत ही जो है कि थोड़ा सा अपना वगैरह करके थोड़ा रेडी हो जाती हूँ। और ये है गाइस ना जिससे मैं लगा रही हूँ पाउडर ना, तो गर्मी की वजह से पाउडर इस समय सभी लोग लगा ही लेते हैं। तो ये ना जब सुना बहुत छोटी थी तब मैं लेकर आई थी, और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है इससे लगाने में ना, तो सुना तो हमेशा ही लगाती रहती, तो कभी कभी मैं भी ट्राई कर लेती हूँ इससे। बस मैं रेडी हो गई थी गैस, उसके बाद आ गई थी किचन में, और किचन में जैसे सारा काम हो जाता है ना तो बर्तन मैं इसी तरह से रख देती हूँ कि पानी निचुड़ जाएगा उसका ना, उसके बाद जो है कि मैं उसको लगा देती हूँ स्टैंड में। तो ये देखिए अपना लगा दी हूँ बर्तन, उसके बाद गैस ये जा रही हूँ मैं ना, अब लस्सी ले कर आई थी, लस्सी इस समय डेली पी रहे हैं, लस्सी दही, क्योंकि गर्मी इतना काफ़ी है ना तो काफ़ी अच्छा लगता है लस्सी। तो ये देखिए ठंडी ठंडी लस्सी अब मैं ले जाऊँगी, आराम से बैठ के इसको पीऊँगी। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और दिल्ली के हाल तो इतना ज़्यादा बुरा है ना, दिल्ली क्या मुझे लग रहा है कि बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा ही भीषण वाली गर्मी पड़ रही है। तो बारिश जब हो रही है तब तो ठंडा हो जा रहा है, उसके बाद इतनी ज़्यादा उमस और स्वेटिंग वाली गर्मी स्टार्ट हो जा रही है ना कि बर्दाश्त नहीं हो रहा है एकदम से, ऐसी हो रही है। मन तो करता ही नहीं है कि पंखे के यहाँ से हटो, ऐसा हो जाता है, बट क्या करना है, काम तो करना ही होता है ना, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, काम तो सबको ही करना होता है, तो यही होता है। तो काम अभी मेरा सारा फिनिश हो गया, बच्चे चले गए हैं स्कूल, बस गाइस मुझे ना कपड़े धुलने, तो कपड़े जो है ना मैं शाम को धुल दूंगी, बच्चे ट्यूशन के लिए आते हैं ना तो उसके बाद जब वो चले जाएंगे फिर मैं धुल दूंगी, तो कपड़ों का कोई आफत नहीं आती, आराम से। जैसे अभी भी टाइम मेरे पास रहेगा तो मैं क्या करती हूँ ना, मशीन लगा देती हूँ, बस खाली शाम को खंगालना रहता है, तो पानी आता है शाम को ना तो खंगाल के सुखा के डाल देती हूँ। अभी जो है कि मैंने सावर वगैरह ले लिया है, बस यही बैठ गई हूँ, गर्मी काफ़ी पड़ रही है, कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है, बस ना जा रही हूँ लस्सी पीने के लिए, थोड़ा सा ठंडा ठंडा मन कर रहा है पीने के लिए, क्योंकि गर्मी की वजह से ना खाना बिल्कुल नहीं मन कर रहा है खाने के लिए। फिनिश करती हूँ अपनी लस्सी और फिर उसके बाद मैं आप लोगों से फिर मिलती हूँ। तो जब से गाइस ट्यूशन के बच्चे आने लगे हैं ना, तो वो शाम को आते हैं 4 बजे, तो मैं क्या करती हूँ ना मॉर्निंग में सारा काम निपटा लेती हूँ, फिर दोपहर में जो भी मैं फ्री टाइम में जो काम रहता है उसको कर लेती हूँ, उसके बाद मैं अपना कोशिश करती हूँ ना कि 1-2 घंटे सो जाऊँ, क्योंकि मॉर्निंग में उठते हैं बच्चों के लिए लंच बॉक्स वगैरह तैयार करना होता, सारा काम करते हैं ना, तो फिर ऐसा होता ना कि थोड़ा सा ना नींद आने लगती, तो मैं यही कोशिश करती हूँ ना थोड़ा सो लूँ ताकि शाम को बच्चों को पढ़ाऊँ ना तो एकदम फ्रेश फील कर सकूँ। तो यही है देखिए अपना काम मेरा हो गया था, शाम हो गई तो बच्चे चले गए थे, तो ये देखिए मैं ना अपना जो है कि कपड़े धो रही हूँ, और कपड़े देखिए सारे धुल गए हैं, तो बस हम नीचे जाऊंगी चाय पीऊंगी, उसके बाद जो है कि डिनर की तैयारी करूंगी। और इधर गाइस ये देखिए प्लानिंग चल रही है पापा के साथ प्रैंक करने के लिए। गाइस
सांप और बहुत गंदा है, मतलब देख के कहाँ जाना डर लग रहा है इसको। मेरी तो हंसी कंट्रोल नहीं हो रही है, पहले हंस लेती हूँ उसके बाद जो है कि स्टार्ट करती हूँ। मैं अभी हस्बैंड को बुला कर लेकर आती हूँ। और गाइस ये देखिए हस्बैंड को देख कितनी तेज हंसी आ रही थी ना, कि मतलब कि इनको ना मैंने बोला ना कि अंदर कुछ दिख रहा है अलमारी के पीछे ना, तो ये देखिए नीचे से नहीं जा रही है ना, बेड पर ऊपर से चढ़ के देख रहे हैं डर के मारे, कि इनको बहुत ज्यादा डर लगता है सांप वगैरह से। तो मैंने बोला कुछ ना काला काला सा दिख रहा है, तो ये देखिए किस तरीके से देख रहे हैं। तो गाइस हमने हस्बैंड के साथ प्रैंक करने का सोचा, बस वो थोड़ी देर तो लगा उनको कि लग रहा है कुछ है वहाँ पर, बट थोड़ी देर बाद वो जान गए कि लग रहा है ना, कह रहे हैं कि वो रबड़ का लग रहा है सांप है ना, तो निकाल रहे थे जान गए वो, फिर तो वही हंसने लगे हैं। तो यही है, ज़्यादा टाइम तक हम उन्हें जो है ना कि प्रैंक नहीं कर पाए हम उनके ऊपर, तो थोड़ी देर में उनको जो है ना पता चल गया है कि रबड़ का सांप है और हंसने लगे हैं, फिर हमने बता दिया कि आपके साथ हम ना प्रैंक कर रहे थे। तो यही है बस, अभी जो है कि बच्चे खाना ना खा लिए, सभी लोगों का खाना पीना हो गया है। तो गाइस बस हमारा डिनर उनर हो गया था, और ये देखिए रात के कुछ 10 बज गए थे, और ये सोना लेकर आ गई थी आइसक्रीम, तो गर्मी इतनी काफ़ी है तो आइसक्रीम खाना तो बनता ही है, तो लगभग एक दो दिन बाद आ ही जा रहा है आइसक्रीम, तो बस हम लोग आइसक्रीम फिनिश करेंगे। और गाइस आज का ब्लॉग मेरा कैसा लगा आप लोग ज़रूर से कमेंट करिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर एक अच्छे से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।